2024 लोकसभा पालघर जिला 110% 1.5-2 लाख वोटों से, उससे ज्यादा वोट से सीट जीती है। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होना चाहिए और उम्मीदवार हमारी पार्टी में से होना चाहिए। तो एक लाइन में जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदासाठी जगत नहीं, पक्षासाठी जगत। रोएगा गाएगा नहीं, हमको ये चाहिए वो करना है, तो पार्टी सभी सब कुछ सुनेगी, लेकिन जब पार्टी ने निर्णय लिया तो उसके आगे कुछ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ, जहाँ लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग फूकने वाला है, बजने वाला है, लगभग तैयारी के लिए सब जुट चुके हैं। आइए हम बात करते हैं उस व्यक्ति से जो जिला अध्यक्ष है पालघर जिले का, लगभग लगातार संगठन को मजबूत करने की मुहिम जारी कर चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा में उम्मीदवार को लेकर और सिंबल को लेकर, जिस तरीके से पिछले 2019 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को कहीं दूर खड़ा देखती है, क्योंकि युति की कोई कोई ना कोई गठबंधन का व्यक्ति यहां पर आ जाता है और वो बन जाता है, खासकर शिवसेना और भाजपा के गठबंधन पर। आइए बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी नाराजगी और वर्तमान में आखिर किस तरह का उम्मीदवार ये चाहेंगे आने वाले समय लोकसभा चुनाव में। भरत जी सबसे पहले नमस्कार। भरत जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक वातावरण है कि भरत राजपूत अब चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उस गठबंधन वाला जो तालमेल था वो चले, लेकिन सिंबल बीजेपी का होना चाहिए और उम्मीदवार बदलना चाहिए, ये क्या कुछ घटना, ये क्या कुछ बात है। सबसे पहले सभी को नमस्कार कहता हूँ, है भरत राजपूत जिला अध्यक्ष पालघर। इसमें जो लोकसभा 2024 है, हमारी जो सोच है वो तो बहुत छोटी है, हमें मोदी जी को 2024 में 350-400 सीटों पर बिठाना है, तो पार्टी जो निर्णय लेगी हमको मान्य है, लेकिन इसके अंदर जो लास्ट टाइम 2019 में जो हमारा सिंबल गया, हमारा उम्मीदवार गया दो शिवसेना के पास, हमारे इस बार हमारे सभी कार्यकर्ताओं की यही मांगनी है, सभी तालुका अध्यक्ष सब पदाधिकारी के, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल होना चाहिए और उम्मीदवार हमारी पार्टी में से होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राजेंद्र गावित खासदार थे, केंद्र से लेकर यहाँ तक लगातार उनकी मुलाकात इस समय जारी है, देखा जाए तो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन के दरमियान इनको तय करके भेजा गया है, सिंबल भले शिवसेना का रहा हो, तो जो आला कमान है वो लगातार तय इनको ही करते हैं, आपकी नाराजगी क्यों आखिर? आला कमान जो तय करेगा, कल वो गावित साहब को तय करे तो हमको तो काम करना है मोदी जी को देख के। हमारी जो बाजू थी, हमारी जो सोच थी, हमने हमारी पार्टी की तरफ रख दिया है पार्टी में, कि हमारे कार्यकर्ता जिला के क्या सोच रहे हैं और जिला का भविष्य क्या है, पार्टी डिसाइड करेगी क्या। नाराजगी के पीछे कारण क्या, राजेंद्र गावित जो एमपी है उनके कामकाज को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, पार्टी में समर्पण को लेकर आखिर कमी कहां रही? हमारी जो भी मांगे हैं पार्टी के पास हमने रख दी है, वो आने वाला वक्त आपको बताएगा। भरत राजपूत ये तो बता सकते हैं ना कि उनकी व्यवहारात्मक दृष्टिकोण से कार्यकर्ताओं को लाभ नहीं मिल रहा है, या जनता के काम नहीं हो रहे हैं, विकास के काम नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से राजेंद्र गावित बदलना? इस पे कुछ बोल नहीं सकता हूँ आपको, हमारी जो डिमांड है, हमारे पालक मंत्री है, हमारे प्रदेश कार्यालय प्रदेश पे जो लोग हैं, बावन खुले साहब होंगे, उसके बाद हमारे महासचिव माधवीताई होंगी, उसके बाद हमारे संगठन मंत्री हेमंत जी मात्रे होंगे, हमारे हमारी जो दिल की बातें हैं उनके सामने हमने रखी है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, जिस तरह आपने कहा कि हमारी पार्टी का होना चाहिए, तो गावित साहब तो आपके पार्टी के है नहीं, यानी वो तो हट गए, अब पार्टी में कोई और ही है जो उम्मीदवार तय होगा, तो क्या लगता है सुगबुगाहट तेज हो चुकी है किसी नए उम्मीदवार की? वो पार्टी के अंदर आ भी सकते हैं ना गावित साहब, तो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी अभी तो वो पार्टी के है नहीं, लंबे समय से नहीं है, अब इनको पार्टी बदलने वाला व्यक्ति कहें, लगातार ये पार्टी कांग्रेस रहा, फिर शिवसेना रहा, फिर बीजेपी रहा, फिर शिवसेना रहा, तो ये पार्टी बदलते बदलते कई चीज हो जाएंगी, तो लोगों में एक अलग वातावरण। देखो सर, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता है, हम हमारी डिमांड्स रख सकते हैं पार्टी के सामने, जो अच्छा लगे या बुरा लगे पार्टी डिसाइड करेगी कि क्या करना है। और जिले का अध्यक्ष छोटा नहीं होता, जिले का अध्यक्ष सर्वे रिपोर्ट भी भेजता है कि आखिर किसको उम्मीदवार बनाना चाहिए किसको, जिले के अध्यक्ष की एक ताकत होती है जिसको जिला अध्यक्ष कहते हैं, तो आपकी ताकत तो बड़ी हो गई, अब जिले की जिम्मेदारी है, लाखों लोगों की कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, तो क्या लगता है कि बदलना चाहिए तो क्यों, इस पर आप ठोस कोई उत्तर दीजिए। सर इस पे एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारी दिल की बात है, सभी बातें हमने हमारे पालक मंत्री रविंद्र चौहान साहब के पास रख दी है, अभी डिसीजन उनके पास है, पार्टी के पास है, वो जो निर्णय लेंगे वो हमारे जिला में, क्योंकि मुझे आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब जिला नियोजन की नियुक्ति हुई राष्ट्रवादी की, तो मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि भरत भाई पक्षात तुमची फार नाराजी है लोकांची, तो मैंने उसको एक ही लाइन में जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदासाठी जगत नहीं, पक्षासाठी जगतो, तो हमारा नेतृत्व तो सक्षम है निर्णय लेने के लिए, उनको हम सजेशन दे सकते हैं कि सर ऐसा ऐसी बातें जिले में चल रही है, आप उस पर आप देखिए क्या हो सकता है। आप पॉलिटिकल आंसर दे रहे हैं, बहुत लिमिटेड ऐसा लग नहीं रहा है। सर भरत राजपूत पहली बार लिमिटेड उत्तर देने की कोशिश सर लिमिटेड
की बात ही नहीं है, इसमें जिले पक्ष की मर्यादा, पक्ष की मर्यादा से बात सबसे बड़ी बात है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो शिस्त है पक्ष का, हर कार्यकर्ता कार्यकर्ता को जो भी जवाबदारी देगी, भले कार्यकर्ता रोएगा गाएगा नहीं हमको ये चाहिए वो करना है, वो पार्टी सभी सब कुछ सुनेगी, लेकिन जब पार्टी ने निर्णय दिया तो उसके आगे कुछ नहीं। अच्छा एक सवाल पे उत्तर हो सकता है आपका, कामकाज कैसा रहा इनका, जो गावित साहब हैं उनकी एमपी के कार्यकाल में क्या कामकाज उस तरह हुआ जिस तरह से भरत राजपूत और भरत राजपूत के कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ता या पालघर जिले के लोकसभा के आम आदमी खुश है ऐसा लगता है? सर मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इस सब चीजें हमने रिपोर्ट आपके हमने हमारे हमने हमारे सब चीजें सर प्रदेश पे रखी है उस पे सब निर्णय होगा। कोई कहता है कि जब उत्तर सकारात्मक ना आए तो नकारात्मक समझ लीजिए। सर अभी आपको जो पकड़ना पकड़िए। अच्छा आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव नजदीक, तैयारी कैसी है भरत राजपूत? भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा पालघर जिला 110% 1.5-2 लाख वोटों से, उससे ज्यादा वोट से सीट निकली है, रिकॉर्ड। चलिए भरत राजपूत थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि गावित साहब को टिकट मिले या ना मिले ये इनका नहीं कहना, इनका कहना है कि संगठन के व्यक्ति को मिलना चाहिए, पार्टी के पक्ष का सिंबल उसे लागू करना चाहिए। और यहां पर उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके जिलाध्यक्ष बनने के बाद भी उनका एक ही कहना है कि 1-2 लाख वोटों से विजय होगा आने वाला उम्मीदवार। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे उनकी बातों का प्रभाव क्या होता है और भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ निर्णय लेती है।